अगर कभी भी गॉडफादर की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आती है, वो है द लेजेंडरी द गॉडफादर मूवी। और अगर किसी प्रोडक्ट की बात होती है तो दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, पहली है बियर्डो को गॉडफादर बियर्ड ऑयल और दूसरी है बियर्डो को गॉडफादर परफ्यूम। बियर्ड ऑयल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आई बटन में आ जाएगा, वहाँ से आके देख सकते हो, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे बियर्डो के गॉडफादर परफ्यूम की। पता करेंगे कि क्या इस परफ्यूम में वो गॉडफादर वाली बात है, क्या इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस अच्छी है, क्या ये परफ्यूम सुपर लॉन्ग लास्टिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या ये परफ्यूम अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से वर्थ इट है। सबसे पहले बात करते हैं इस परफ्यूम की प्रेजेंटेशन की, यानी इसकी पैकेजिंग की और इसकी बॉटल की। तो अगर आउटर पैकेजिंग की बात करें तो कुछ ऐसे बॉक्स के अंदर आता है, अंदर से इसके भी कॉरिगेटेड शीट का यूज़ करा गया है जिससे परफ्यूम अंदर सेफ है, लाइक बियर्डो ओरिजिन और बियर्डो डार्क साइड भी यूज़ करा गया था, तो पैकेजिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है सबकी। मेन प्रेजेंटेशन जो की गई है वो है इसकी बॉटल, डार्क रेड कलर की ग्लास बॉटल है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। प्लास्टिक कैप है, देखने में लगता है ये मेटेलिक कैप है, लेकिन ये प्लास्टिक है एक्चुअली विद सिल्वर फिनिश। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें जो है इसका स्प्रे, तो स्प्रे मुझे अच्छा लगा, डिसेंट थ्रो है, कोई कमी आप उसमें भी नहीं निकाल सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसकी आउटर पैकेजिंग, बॉटल, स्प्रे सब ठीक ठाक है बाकी बियर्डो परफ्यूम के जैसे। फाइनली बात करते हैं इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस की, और उसके बाद बात करेंगे कि ये परफ्यूम की लॉन्जिविटी क्या है, यानी ये लॉन्ग लास्टिंग कितना है। फ्रेग्रेंस की बात करें तो बियर्डो की वेबसाइट पर क्लियरली मैंशन करा गया इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। अगर टॉप नोट्स की बात करें तो टॉप नोट्स जो है वो थोड़ी सिट्रसी है, लेमन और मैंड्रीन फ्लेवर वाली। अगर मिडिल नोट्स की बात करें तो वो थोड़ी एरोमेटिक है, मिंट और जेरेनियम फ्लेवर वाली। बेस नोट्स की बात करें जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही सबसे लंबे समय तक चलती है, तो वो थोड़ी स्पाइसी है, हैटी एंड वेटिवर और व्हाइट मास वाली फ्लेवर है उसमें। मेरा क्या ओपिनियन इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, क्योंकि अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो बियर्डो की वेबसाइट से दी है, अब मैं बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। मैंने फील करा इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस के बारे में वो ये था कि जो इसकी टॉप नोट है वो स्ट्रांग है, लेकिन उसी के साथ साथ प्लीजेंट भी है, सूदिंग स्मेल है। बियर्डो ओरिजिन और डार्क साइड की जो टॉप नोट थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये स्ट्रांग है लेकिन उसी के साथ साथ प्लीजेंट भी है, सूदिंग स्मेल है। मिडिल नोट्स और बेस नोट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा स्मूथ होने के साथ साथ रिफ्रेशिंग और रिलैक्सिंग भी है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी कुछ लोगों की जो नोज होती है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो कभी वो कोई स्ट्रांग स्मेल सूंघते हैं या खुद लगाते हैं कोई परफ्यूम तो उनको एक इरिटेशन से होने लगती है, एक एलर्जी होने लगती है। जब भी वो कोई स्ट्रांग परफ्यूम लगाते हैं और जैसे ही उसे स्मेल करते हैं तो वो परफ्यूम की स्मेल उनके दिमाग में चढ़ जाती है और थोड़ा सा सिरदर्द टाइप का और हेडेक टाइप का होता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जिनकी नोज थोड़ी सेंसिटिव होती है। यही चीज़ मुझे इस परफ्यूम की सबसे खास बात लगी। अब मैंने बियर्डो ओरिजिन भी यूज़ करा, बियर्डो डार्क साइड भी यूज़ करा, लेकिन उन दोनों की जो फ्रेग्रेंस थी थोड़ी स्ट्रांग थी, थोड़ी नाक पे चढ़ती थी। अगर जैसे ही आप उसकी टॉप नोट्स को स्मेल करोगे तो थोड़ी नाक पे चढ़ती थी, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा सूदिंग और स्मूथ स्मेल है। अगर आप भी उन लोगों में से जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग परफ्यूम नहीं पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये परफ्यूम पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिसेंट फ्रेग्रेंस है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसकी फ्रेग्रेंस। सच बताऊँ तो मैंने बियर्डो ओरिजिन, बियर्डो डार्क साइड और ये तीनों परफ्यूम यूज़ करके देख लिया, और अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको सबसे अच्छा कौन सा परफ्यूम लगा तो मैं डेफिनेटली कहूँगा मुझे यही लगा, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यही रीज़न था कि मैंने इस परफ्यूम का वीडियो सबसे लास्ट बनाया, सबसे पहले ओरिजिन का बनाया था, फिर डार्क साइड का बनाया, फिर लास्ट में इसका बना रहा हूँ, क्योंकि सरप्राइज भाई सबसे लास्ट में दिए जाते हैं। ऑल्दो बियर्डो डार्क साइड सबसे महंगा परफ्यूम बियर्डो का एंड बियर्डो ओरिजिन सबसे सस्ता है और ये कहीं उन दोनों के बीच में आता है, लेकिन तभी भी मुझे ओवरऑल यही परफ्यूम सबसे अच्छा लगा। अगर आप कोई ऐसा इंसान जिसको परफ्यूम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप सिर्फ ऐसा परफ्यूम चाहते हो जो आप खरीदो और आपको पसंद आ जाए, आपको ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े और आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करना पड़े, तो ये कुछ वैसा ही परफ्यूम है। बियर्डो ओरिजिन और डार्क साइड के साथ क्या है कि वो कुछ लोग पसंद आएगा और कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए क्योंकि उसकी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस है, लेकिन इस परफ्यूम के साथ ऐसा नहीं है। आप एक बार यूज़ करो आपको एक ही बार में पसंद आ जाएगा। कुछ गाने होते हैं कि आपको दो तीन बार सुनने पड़ते हैं तब आपको पसंद आते हैं, लेकिन कुछ गानों की म्यूज़िक होती है ऐसी कि आप पहली बार सुनो और आपको तुरंत वो दिमाग में आपके बजने लगते हैं, तो ये परफ्यूम कुछ वैसा ही है। आप एक बार फ्रेग्रेंस सूंघोगे इसको आपको पसंद आ जाएगा। पहली बार में पसंद आने का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि ये एक स्ट्रांग फ्रेग्रेंस और एक स्मूथ फ्रेग्रेंस का एक परफेक्ट मिक्सचर है जो दिमाग पर उतना ज़्यादा चढ़ता नहीं है। फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है एंड एट द सेम टाइम रिलैक्सिंग भी है। अगर आपको इस परफ्यूम को पार्टीज़ में यूज़ करना है तो भी कर सकते हो, और अगर आपको ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, डेली वेयर के लिए यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब एक मल्टीपर्पज़ परफ्यूम है जो हर कोई यूज़ कर सकता है। लेकिन 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 अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो हर परफ्यूम की बाइंग डिसीजन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और वो है इसकी लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटीज़। लॉन्ग लास्टिंग कितना है अगर इस पर बात करें तो ये इस परफ्यूम की थोड़ी सी खामी आप कह सकते हो, तभी भी ये बियर्डो डार्क साइड और बियर्डो ओरिजिन से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अगर ड्यूरेशन की बात करें कि कितने टाइम तक टिकता है, तो 2.5 से 3 घंटे, 3 सवा 3 घंटे आराम से फ्रेग्रेंस आती है इसकी
की उसके बाद भी आएगी, लेकिन जो प्रोजेक्शन होता है फ्रेग्रेंस का वो थोड़ा कम हो जाता है। बेसिकली इस परफ्यूम का जो इफेक्टिव रेडियस वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब जो आसपास के लोग हैं उनको फ्रेग्रेंस आएगी लेकिन दूर वालों को उतनी नहीं आएगी। ये जो मैंने लॉन्जिविटी बताई है इस परफ्यूम की वो डे टाइम में, नाइट टाइम में इससे थोड़ा ही आप आधे आधे घंटे और इंक्रीज कर दो इसकी लॉन्जिविटी, मतलब अगर 3.25 घंटे दिन में चल रहा है तो रात में वो 3.5 घंटे 4.25 घंटे तक चल जाएगा। अगर एक रफ कंपैरिजन करें बियर्डो डार्क साइड और ओरिजिन से तो उनसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, उनको डेफिनेटली बीट करता है ये परफ्यूम। फाइनली बात कर लेते हैं इस परफ्यूम की रेटिंग्स की, तो अगर मुझे रेटिंग्स देनी हो इसकी फ्रेग्रेंस के लिए तो 5 out of 5 marks दूंगा, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पसंद है इसकी फ्रेग्रेंस। अगर इसकी बॉटल पैकेजिंग की बात करें, इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें, तो वो भी डेफिनेटली मुझे पसंद आई, 4 out of 5 marks, कोई उतनी कमी नहीं निकाल सकते, एक डिसेंट पैकेजिंग है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसकी लॉन्जिविटी, यानी कितना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये परफ्यूम, तो उसके लिए मैं इसको 3 out of 5 marks दूंगा, क्योंकि मिड रेंज परफ्यूम के हिसाब से ठीक ठाक लॉन्ग लास्टिंग है ये। हाँ 5-6 घंटे नहीं चलता है लेकिन 3-4 घंटे चलता है, मिड रेंज परफ्यूम के लिए ठीक है इतना। और अगर इसके प्राइस पॉइंट की बात करें तो उसके लिए मैं इसको 3 out of 5 marks दूंगा, अगर बियर्डो की वेबसाइट पर प्राइस कंपेयर कर रहे हो जो है 1200 रुपये, जो थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस कंपेयर कर रहे हो जो 500 से 700 रुपये के बीच होता है अप्रॉक्स, तो उस प्राइस पॉइंट पे मैं इसको कहूँगा कि वर्थ इट है, उसमें इसको मैं 4 out of 5 marks दूंगा, वो थोड़ा अफोर्डेबल लगा मुझे। ये था मेरा एक इनडेप्थ रिव्यू इस परफ्यूम को लेके, आई होप आप लोग के बाइंग डिसीजन में ये वीडियो थोड़ी हेल्प करेगा। और अगर आपको वीडियो ज़रा सा ही पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।